हेलो तो दोस्तों आप सभी बात करेंगे यहाँ पर आई आर के बारे में दोस्तों स्टॉक में कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आ चुके हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो दोस्तों आपको बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पर करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना दोस्तों एक्चुअली हो क्या रहा है क्योंकि कंपनी में की एक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए छोटी एक्टिविटी हो या बड़ी एक्टिविटी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि तो यहाँ पर कोई चीज़ कंपनी में होती है तो उसका यहाँ पर हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा डिटेल देखना पड़ेगी क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पर पैसा लगा कर बैठे उस कंपनी में तो हमारा काम बनता है कि वहाँ पर देखा जाए कि क्या हो रहा है बोलकर चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आई आर सी टी सी में हो क्या रहा है एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर देखना आज इस स्टॉक में दो परसेंट की गिरावट देखने को मिली है और पिछले पाँच दिनों में पाँच छः परसेंट के करीब का कर इसने रिटर्न कमा के दिया अब देखिए दोस्तों कोई भी स्टॉक हो जब वो परफॉर्म करता है रिटर्न देता है उसमें एक रूल फॉलो होता है डिमांड का जितनी डिमांड ज्यादा रहेगी दोस्तों उतना शेयर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम कर दे तो यहाँ पर शेयर में गिरावट हो जाती है तो यहाँ पर इसी चीज को याद रखना अभी देखिए जो लोगों ने ज्यादातर खरीदे है को यहाँ पर इतना ऊपर लाया तो जरूर लोगों ने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया तब जाकर तो स्टॉक ऊपर आया ना अब देखिए इसमें लोग पैसा निकाल भी रहे हैं अब वो कौन लोग है मैं आपको वो भी बताऊंगा और दोस्तों कौन लोग है जो यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं वो भी याद रखना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों मैं अभी आपको डिस्कस करके कर बता देता हूँ इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है रिटेल इन्वेस्टर बोल जो छोटे निवेशक होते हैं जो आप सभी को पता है दोस्तों जो म्यूचुअल फंड एफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन और डी इन सभी को छोड़कर रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा स्टेक उठाया दोस्तों और आपको बताना चाहूँगा इसमें यहाँ पर देखिए सिंगापुर की गवर्नमेंट यहाँ पर जो निवेश करती है उन्होंने देखिए द सिंगापुर गवर्नमेंट उन्होंने यहाँ पर क्या किया है स्टेक कट किया है दोस्तों वो भी कितना यहाँ पर एक परसेंट से भी ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने होल्डिंग कम की है आई आर सी टी सी में और यहाँ पर देखिए जो नियरली जो जम की है दोस्तों वो किसने रिटेल जो होल्डिंग है उन्होंने यहाँ पर स्टेक बढ़ा दिया तो एक क्वेश्चन मार्क आता है माइंड में कि यहाँ पर इस स्टॉक में करना क्या चाहिए दोस्तों देखिए उन्होंने यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग की आपको खुद नज़र आ रहा है कि कंपनी में ख़राब है बोलकर बिल्कुल नहीं ना तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्या होता है हमें पता तो चले कि एक्चुअली कौन बेच क्या रहा है क्यों कर रहे हैं देखिए ना प्रॉफिट बुकिंग का इनको क्या देना पड़ता है लोगों को यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें या यहाँ पर दूसरे लोग हो वो यहाँ पर लोगों को रिटर्न कमा के देने के लिए ही बैठे होते हैं तो उनको यहाँ पर रिटर्न पेड करना पड़ती है तो वो बेचेंगे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आपको दोस्तों अभी सूटेबल लगता हो शेयर का प्राइस यहाँ पर आप लंबे समय के लिए रह सकते हैं तो बिल्कुल आई आर सी टी सी में कंटिन्यू करना चाहिए वैल्यूएबल कंपनी है हम सभी को ये पता ही है और दोस्तों जैसे वैल्यूम भी देखे ना तो यहाँ पर लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी हम हाँ समझ सकते हैं देखना है इसमें यहाँ पर ट्वेंटी एट लैक्स की क्वान्टिटी इसमें उठाई गई आई आर सी टी सी में देखिए और पूरी तरीके से परसेंटेज देखेंगे तो चालीस परसेंट का काफी अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें इंटरेस्ट लोग लगातार दिखा रहे हैं और कंपनी यहाँ पर आपको बता दो कि जो टॉप लेवल है उससे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करेक्शन है अभी भी तेवीस परसेंट का है जो बारह सौ रुपए का इसका टारगेट है जो फिफ्टी हाई वाला लेवल वहां से देखेंगे तो अभी भी स्टॉक ट्वेंटी थ्री परसेंट डाउन ही यहाँ पर आप समझ कर चल सकते हैं जो खरीदारी करने के लिए इंटरेस्ट दिखाना चाहेंगे वैल्यूएशन बहुत महंगा है ये बात आपको पता ही होनी चाहिए निवेश करने से पहले क्योंकि देखिए आप यहाँ पर अभी जो निवेश करेंगे यहाँ पर देखना जो लोग यहाँ पर पहले खरीद कर बैठे स्प्लिट से भी पहले उनके पास दोस्तों यहाँ पर आपको बता दो सात सौ रुपये में या यहाँ पर उससे भी नीचे के लेवल पर उनको शेयर होगा उनके पास तो वो क्या करेंगे बेचेंगे ना तो ये जो चीज़ें होती रही थी तो इसलिए हम यहाँ पर टॉप को खरीदे हो तो उसे होल्ड करना चाहिए अभी यहाँ पर लॉस में बेचे क्या ये क्वेश्चन मार्क आना नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो टॉप को खरीदा ना तो लोग जिसे यहाँ पर पहले से खरीद कर बैठे वो बेचने की कोशिश जरूर करेंगे ये बात आपके माइंड में रखकर चलना दोस्तों आई होप मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी आप यहाँ पर डिसीजन आप ले सकते हैं थैंक यू सो मच